नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि झामुमो सरकार का एक वादा था कि और उनके मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ था कि बेरोजगार युवाओं को जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, इसकी योग्यता क्या है और पंजीकरण कराने के लिए यानी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो है ऐलान CM हेमंत सोरेन जी ने कर दिया है। और 20 जनवरी का आखिरी तक यानी आज हुआ 31 जनवरी, 31 जनवरी को पूरा ऐलान कर चुके हैं कि अब जो जितने भी बेरोजगार युवा हैं झारखंड के, उनको जो है जल्द ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसका भी दिशा निर्देश जो है अपने CS को दे चुके हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो का आखिरी लास्ट तक देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और सरकार ने ऐलान कर दिए हैं कि सभी निदेशालय को सक्रिय कर युवाओं का रजिस्ट्रेशन करें। झारखंड के युवाओं को रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी। झामुमो और कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप राज्य सरकार ने झारखंड के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को मुख्य सचिव डॉक्टर DK तिवारी को राज्य के सभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी नियोजनालय को सक्रिय करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि नियोजनालय के तहत राज्य भर में जिले से लेकर प्रखंड स्तर के शिविर लगाए, उसमें रोजगार कितने युवक हैं कितना नहीं है इसकी जानकारी जो है सरकार को दे। फिर यहाँ पर आपको बताएंगे इसकी योग्यता की पाने बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए। तो देख सकते हैं मुख्य सचिव ने श्रम नियोजन सचिव और सारे DC को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। सारे एक्टिव हो गए हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट में नियोजनालय को एक्टिव कर बेरोजगारों को पंजीकरण करे, ये हेमंत सोरेन का कहना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सारे नियोजनालय को तत्काल एक्टिव करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव को भी इसका कार्यभार संभाल दिया है। इसके साथ ही जिले से लेकर प्रखंड स्तर शिविर लगाकर 16 साल से अधिक उम्र के बेरोजगारों का पंजीकरण कराने को कहा गया है। यानी न्यूनतम जो योग्यता है वो 16 साल कहा गया है। 16 साल से ज़्यादा अगर कोई भी है तो अपना पंजीकरण कराएं नियोजनालय में जाकर। और इसमें ऐसे युवक को भी शामिल करने को कहा गया है जो नौकरी की तलाश में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकरण के बाद बेरोजगार युवक युवतियों को सरकार की ओर से रोजगार उपलब्ध कराने के भी दिशा निर्देश इसके साथ कुछ कार्रवाई किया जाएगा। तो इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो शेयर करें दोस्तों। और हाँ, 16 साल से अबव इनकी जो है न्यूनतम एज है आपको नौकरी जो है बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए। और आप अपने नियोजनालय में जाकर जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद सरकार आपको सबसे पहले रोजगार देने की कोशिश करेगी। उसके बाद भी आपको अगर रोजगार नहीं मिलती है तो जो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगी। इसके लिए जो है आपका अगर ग्रेजुएट है तो आपको 5,000 रुपये मंथली, और जो आप अगर PG किए हुए हैं तो 7,000 रुपये मंथली मिलने का कहा गया है। इस तरह से मैनिफेस्टो में भी यही चीज़ थी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक करिए, अच्छे लगे हो तो दूसरे ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।